एग्जांपल कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इस कंडक्टर के अंदर से उस वक्त तक करंट फ्लो नहीं कर सकता जब तक कि आप इसे जो है बैटरी के साथ कनेक्ट ना करें। बैटरी के साथ कनेक्ट करने की वजह ये होती है कि इसके अंदर से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। और करंट किस तरीके से फ्लो करता है कि हमें मालूम है कि बैटरी से हमेशा हायर पोटेंशियल से जो कि पॉजिटिव पोटेंशियल है यहाँ से करंट में फ्लो करना स्टार्ट करना है। अब हमारे पास जो कंडक्टर है उसके पास फ्री जो है काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में आ जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है और जहाँ जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते चले जाते हैं वहाँ पर होल बनना शुरू हो जाते हैं और उन होल की वजह से वो जो होल हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्लो करना शुरू कर देते हैं और इन होल की वजह से जो करंट फ्लो करता है उसे हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो जो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक कहते हैं वो इन दोनों की वजह से फ्लो करता है। ना तो कभी हम लोगों ने करंट को कन्वेंशनल करंट कहा है और ना ही कभी इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा है, क्योंकि करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट है जो कि इन दोनों का जो है मजमुआ होता है, इलेक्ट्रिकल करंट और कन्वेंशनल करंट का। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डायरेक्शन में मूव करते चले जाते हैं और होल छोड़ते चले जाते हैं जहाँ जहाँ से वो मूव करते हैं, और जहाँ जहाँ होल रह जाते हैं वो होल्स क्या करते हैं कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली ये कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉनिक करंट भी पास कर रहा होता है, कन्वेंशनल करंट भी पास कर रहा होता है, और इन दोनों के स्तंभ को हम कह देते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर से बेसिकली क्या पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। अब हमें ये तो मालूम है कि इस कंडक्टर के अंदर जो है इसकी कुछ ना कुछ लेंथ एल है, इसके अंदर से जो है आई करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम उस इलेक्ट्रॉन हर इलेक्ट्रॉन को कह सकते हैं जो इजीली मूवमेंट कर रहा है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो मूव करता आगे चले जाए तो पीछे वो पॉजिटिव चार्जेस होल छोड़ जाएगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस होल हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं ये भी तो हमारे पास एक मूविंग चार्जेस भी हुए ना, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आज का जो हमारा काम है, हमने इस काम में बेसिकली क्या करना है कि हम लोगों ने कंडक्टर के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर या फ्री मूविंग चार्जेस हैं उनकी बात कर लें। आप फॉर एग्जांपल मैं होल्स की बात करती हूँ जो कि पॉजिटिव चार्जेस हैं, और ये वो चार्जेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करते हैं तो उनकी जगह पर बन जाते हैं। इन होल्स के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, उनकी इफेक्ट को देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्स किस तरीके से इन पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर एक्ट करती है। हम लोगों ने बेसिकली अब तक जो है एक कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया है, हम लोगों ने सोलेनॉइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फोर्स को देखा है, हम लोगों ने सोलेनॉइड के अंदर एक सरफेस को रख के देखा है, एक सरफेस को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखकर उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेक किया है। लेकिन हम लोग बेसिकली अब ये काम करना चाह रहे हैं कि जो कंडक्टर के अंदर जो मेजर काम होता है वो होता ही इस वजह से कि उसके अंदर जो है मूविंग चार्जेस होते हैं, उन मूविंग चार्जेस पे जो है मैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट करती है। हमने ये देखना है कि वो मैग्नेटिक फोर्स इन मूविंग चार्जेस पे किस तरीके से इफेक्ट करती है, ताकि हमें पता चल जाए कि हम लोग छोटी सी चीज़ से हम लोग ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से वो जो है हमारे मैग्नेटिक फोर्स इन चार्जेस मूविंग चार्जेस पे एक्ट करती है और किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे के पूरे कंडक्टर के ऊपर एक्ट करना शुरू करती है, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। और जब भी किसी की चीज़ के अंदर से करंट फ्लो करता है तो वो चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए बनती है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है इसकी ईच एंड एवरी पार्टिकल पे एक्ट कर रही होती है, और वो किस तरीके से एक्ट करती है कि वो इस कंडक्टर के अंदर मौजूद जो मूविंग चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्ट करती है, और एक्ट करती हुई इस पूरे के पूरे कंडक्टर के ऊपर आ जाती है और हम कह देते हैं कि ये जो कंडक्टर है, ये जो सरफेस है हमारे पास, ये एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्ट कर रही है क्योंकि इसके ऊपर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया, इसके पास जो है मैग्नेटिक फोर्स आ चुकी है। तो अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि हम लोगों ने जो कंडक्टर है इसे अगर मैं यहाँ पर ये दिखा दूँ कि ये जो बैटरी है अभी भी हम लोग लगाए रखते हैं, ये बैटरी का टर्मिनल है, ये हम लोगों ने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। अब हमें ये मालूम है कि ये हमारे मूविंग चार्जेस हैं, इन्हें मैं कह देती हूँ कि ये हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब ये चार्जेस क्या हैं कि हमारे पास जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इनकी जो डायरेक्शन है, जो इनको मूव करने का अंदाज़ है, हमें मालूम है कि होल्स जो हैं वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। चूँकि होल्स पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं तो उन्हें नेगेटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है, और इस तरीके से ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये इनके मूव करने की जो है डायरेक्शन आ जाती है। अब कोई भी चीज़ जब मूवमेंट में होती है तो हमें मालूम है कि उस चीज़ की मूवमेंट किस तरह से आती है, या तो उसके अंदर जो है स्पीड आती होगी या उसके अंदर जो है वेलोसिटी होगी, दोनों जो है एक ही टर्म है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो हमारे पास स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। हम यहाँ पे वेलोसिटी को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स जो है उसे हम लोग इस तरह से रिलेट कर रहे हैं कि वो भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हम लोग इससे भी देख लेंगे कि क्यों हम लोगों ने वेलोसिटी को यूज़ किया। फॉर एग्जांपल कि जिस स्पीड से ये मूव कर रहे हैं वो हमारे पास वी है,
और जिस मैग्नेटिक रीजन के अंदर ये रखे हुए हैं उस मैग्नेटिक रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड भी है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है कि वो इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसे हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो ये हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। इसे आप छोटा सा करके यहाँ पे यूं भी बना सकते हैं कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। ये आपके पास बी की डायरेक्शन है, ये आपके पास आई की जो है बी की डायरेक्शन है, तो बी और वी की डायरेक्शन आ गई। और दूसरी चीज़ हमें ये भी मालूम है कि हमारी आई की डायरेक्शन क्या है, हमारी आई की डायरेक्शन जो है इस तरफ है, क्योंकि आई की डायरेक्शन जहाँ होगी उसी तरीके उसी डायरेक्शन में जो है आपके जो है मूविंग चार्जेस मूव करेंगे, जिस डायरेक्शन में वो मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे देखते हैं कि हमें क्या पता कि उसकी जो मैग्नेटिक फोर्स है जो इस तरफ जो इस वक्त इन मूविंग चार्जेस पर लग रही है वो कहाँ पर लग रही होगी। जैसे कि हम लोगों ने वीडियो में बात की थी लास्ट वीडियो में कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन को देखने का तरीका हमारे पास राइट हैंड रूल है। उस रूल के अकॉर्डिंग जो फिंगर्स हैं ये रिप्रेजेंट करती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को। थम इंडिकेट करता है कि हमारा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, या दूसरी तरीके से आप कह भी सकते हैं कि जहाँ करंट फ्लो करेगा वहीं वेलोसिटी होगी, तो करंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो गई। तो यहाँ पे भी जो आपका पाम है ये इंडिकेट करेगा बेसिकली कि आपकी मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पर है। अब सेम इसी हाथ को उठा के आप इस चार्जेस पे रख लें तो आप देखेंगे कि जो थम है वो इंडिकेट करता है करंट को, फिंगर्स इंडिकेट कर रही हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड को, जो पाम है इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स को। तो हर चार्ज के ऊपर यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी, ये आपकी वेलोसिटी बी और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी आ जाएगी और ये आपकी वेलोसिटी वी। तो इस तरीके से राइट हैंड का रूल इस्तेमाल करते हुए आपको आपकी मैग्नेटिक फोर्स की जो है उस मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है उसके बारे में भी पता चल जाता है। अब आपको ये मालूम है कि इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। करंट की बेसिकली डायरेक्शन जो डेफिनेशन है, करंट की डेफिनेशन हम लोग करंट को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि पर यूनिट टाइम में एक कंडक्टर के चार्जेस के अंदर से, कि अगर आपके पास ये पर यूनिट टाइम है, इस पर यूनिट टाइम के अंदर जितने भी कंडक्टर के अंदर से चार्जेस फ्लो कर जाएं वो उस चीज़ का करंट कहलाता है। मतलब कि आपके पास एक सेकंड का टाइम था, उस एक सेकंड के अंदर जो है इस कंडक्टर में से जितने भी चार्जेस जो हैं वो पास कर रहे हैं मूव कर रहे हैं उतना ही इस कंडक्टर के अंदर जो है करंट प्रोड्यूस हो जाता है। बेसिकली जितने चार्जेस गुजरे हैं और जितने टाइम में गुजरे हैं उसे आप अपना करंट कह देते हैं। तो इस करंट को अगर मैं इस तरीके से लिख लूँ कि आई जो मेरे पास है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, और यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस को मैं स्मॉल क्यू कह देती हूँ, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम। ये जो टाइम है इसमें डेल्टा टी भी कह सकती हूँ और टी भी कह सकती हूँ। डेल्टा टी इसलिए क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, टाइम में वेरिएशन हुई होती है, टाइम जीरो से हमेशा स्टार्ट होता है और किसी ना किसी टाइम पर जाकर स्टॉप हो जाता है, इसलिए हम लोग टाइम को अक्सर औकात जो है डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जैसा कि हमने सोलेनाइड में देखा था कि स्मॉल एन को मैंने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहा था। बेसिकली ये जो स्मॉल एन है ना ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हैं डिवाइडेड बाय जो उसकी वॉल्यूम आ रहा है उसे हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जैसे कि आप बता सकते हैं ना कि किसी चीज़ की डेंसिटी क्या होती है कि उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। यहाँ पर इस कंडक्टर के मास नहीं बल्कि जितने इसमें से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो बेसिकली इसका मास है। तो यहाँ पर मैं कैपिटल एन को यूज़ कर लेती हूँ और कैपिटल एन को मैं यहाँ पर भी वॉल्यूम से डिवाइड कर देती हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, स्मॉल एन जो है मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बता देता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कितनी है इस कंडक्टर की, उसे मैं निकाल सकती हूँ कैपिटल एन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब कैपिटल एन तो एज इट इज ही रहेगा और वॉल्यूम मुझे मालूम है कि इस कंडक्टर का मुझे एरिया मालूम होगा कि इस कंडक्टर का एरिया क्या है। इस जैसे बात ये थ्री डायमेंशन में होगा ना, इस तरीके से मैंने इसको टू डायमेंशन में बनाया। ये थ्री डायमेंशन में एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक कंडक्टर पड़ा हुआ है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है। यहाँ पर इसका जो है कोई ना कोई एक लेंथ है जो कि एल है, इसका कोई ना कोई एक एरिया ए है और एरिया इंटू लेंथ हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पर एरिया इंटू लेंथ लिख सकती हूँ, चूँकि मुझे इसका एरिया भी मालूम होगा कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, तो मैं इसका एरिया बता सकती हूँ और इसकी लेंथ से अगर मैं यानी कि इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास वो पूरा का पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, चूँकि मैं एरिया इंटू एल की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो ये मेरे पास जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी जो कि कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल इंटू एल के इक्वल आ जाएगी। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। अब बेसिकली मुझे टाइम के लिए भी कोई ना कोई चीज़ निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर मुझे n के लिए फॉर्मूला अगर पुट करना पड़े तो मैं n के लिए इजीली बता सकती हूँ कि ये चीज़ वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो स्मॉल n इंटू ए इंटू एल,
ये कैपिटल एन के लिए मेरे पास एक टर्म निकल आई, इसे मैं पुट कर सकती हूँ। इसी तरीके से जो टी है इसके लिए मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं है कि मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू जो है पुट करूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये करंट जैसे ही कनेक्टेड हुआ है इनके साथ, तो करंट की मूवमेंट की वजह से, करंट के पास करने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूवमेंट में आ जाते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो अपने पीछे जो है वेकेंट जगह छोड़ते जाते हैं जहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, वो पॉजिटिव चार्जेस भी जो है मूव करते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इन्होंने कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई है इनके अंदर, हम लोगों ने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है ना, लेकिन वेलोसिटी हमारे पास बेसिकली आती कहाँ से है। अगर हमें ये वाला फार्मूला याद हो S=VT, जो कि ये बताता है कि डिस्टेंस कितना किसी चीज़ ने कवर किया, जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि वेलोसिटी वी से मूव कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल किया ही होगा, जो कि इनकी वजह से जो है कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है, तो ये कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस तय करके रहे हैं ना, इसे हम एस लिख देते हैं। और ये जो डिस्टेंस है कुछ ना कुछ टाइम टी इंटरवल में तय हुआ है, तो कि हमें टी के लिए रिलेशनशिप निकालना है तो मैं इस तरीके से बता सकती हूँ कि S/V। अब जहाँ जहाँ मुझे टी की ज़रूरत है मैं S/V वहाँ लगा दूँ तो ये चीज़ जो है मेरे पास टाइम के लिए वैल्यू निकल आती है। अब ये जो एस है ये उसकी लेंथ ही हुई ना उस कंडक्टर एल की लेंथ। अब जो एल है मतलब बेसिकली ये कि अगर आपके पास कंडक्टर है और आपने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो इसी लेंथ एल के अकॉर्डिंग होगा ना, तो मैं एस को यानी कि इसके डिस्टेंस को एल से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो टाइम के लिए रिलेशनशिप आएगा वो L/V के इक्वल आ जाएगा। अब और इसे हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि बस इसी तरीके से रहने देते हैं और इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब हमारे पास जो करंट था, करंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर थी जी कि ये जो करंट है हमारे पास N×Q/Δt के इक्वल है। Δt को हम लोग T के इक्वल कर लेते हैं और जो N है इसकी जगह स्मॉल n E×L आ गया और साथ ही हम लोगों ने Q लिख दिया और डिवाइड कर रही हैं हम लोग T के साथ। जो T की वैल्यू है यहाँ पे मेरे पास L/V आती है। अब होता क्या है कि इस L को मैं इस L से कटिंग कर सकती हूँ और N×A×V पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा (Q). तो I के लिए जो फॉर्मूला आ जाता है वो N×A×V×Q आ जाता है। अब क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि अगर आपके पास कोई भी एक कंडक्टर हो और इस कंडक्टर को क्या करें आप एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें और इस कंडक्टर के अंदर से क्या हो कि करंट फ्लो कर रहा हो, मतलब कि ये कंडक्टर है इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड अपेयर हो जाती है। जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट के पैथ्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो उसकी मैग्नेटिक फोर्स को हम लोगों ने कंडक्टर के केस में क्या लिखा था, जब हम लोगों ने बात की थी कि हम लोगों ने कॉपर स्ट्रिप यूज़ की थी तो हम लोगों ने कहा था कि हम इस कंडक्टर के ऊपर, जिस कंडक्टर को हम लोगों ने उस कॉपर स्ट्रिप के ऊपर प्लेस किया था, हमने बात की थी कि हम इस कंडक्टर के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स के इफेक्ट को देखेंगे। तब हमें पता चले था कि कभी भी हम लोगों ने किसी भी कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फोर्स निकालनी हो तो वो I×L×B के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो I है वो N×A×V×Q के इक्वल है और ये L×Q ये N×B के इक्वल है। तो टोटल हमारा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ये बन जाता है जो इस वक्त हमारे इस कंडक्टर के ऊपर लग रहा है, जिसके पास जिसके अंदर जो है फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और फ्री मूविंग पॉजिटिव चार्जेस भी हैं। तो इस तरीके से हम चूँकि अपना काम पॉजिटिव चार्जेस पे कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव चार्जेस के लिहाज से बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है उन पॉजिटिव चार्जेस पे वो कुछ इस तरीके से निकल आती है कि वो N×A×V×Q×L×B के इक्वल आ जाती है। तो ये हमारे पास इस तरीके से एक फॉर्म आ जाती है, इसे हम इक्वेशन A कह देते हैं। अब हमारे पास क्या होती है कि जो L है ये L जो है ये एक वेक्टर है और B इस तरीके से वेक्टर है। जब हमें वेक्टर प्रोडक्ट को जो है बताना हो, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट को, तो हम इस तरीके से दोनों चीज़ों दोनों क्वांटिटी के ऊपर जो है एरो साइन डाल देते हैं, जो कि ये प्रेजेंट करता है कि इस वक्त जो एंगल है जो क्रॉस प्रोडक्ट है जिसकी जगह इस क्रॉस को ख़त्म करके हम लोग साइन अल्फा या साइन थीटा लगाएंगे, उन दोनों क्वांटिटीज़ के ऊपर इस तरीके से एरो हेड डाल देते हैं, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब क्या होता है कि हमें मालूम है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या आती है कि यूनिट वेक्टर जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोई भी वेक्टर है वेक्टर की जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है वेक्टर की वैल्यू को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो ये चीज़ हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाती है। अब इस सिचुएशन में हमें क्या दिया हुआ है, इस सिचुएशन में हमें ये चीज़ दी हुई है कि हमारे पास वेक्टर एल है। अगर मैं इस वेक्टर एल की जगह ये काम करूँ कि मैं यूनिट वेक्टर इनटू उसका जो मैग्नीट्यूड है एल उसके प्रोडक्ट को लिख दूँ तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्यों ना मैं यहाँ पर लिख ही दूँ कि एल इनटू यूनिट वेक्टर एल।
ये हमारे पास चीज़ आ गई और साथ ही बी वेक्टर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है और बाकी सारी की सारी चीज़ एज इट इज़ ही हम लोग लिख देते हैं। ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आ गई। बेसिकली फिजिक्स में क्या होता है कि हम एक चीज़ के कॉन्सेप्ट को उसकी डेफिनेशन को अगली चीज़ के कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन निकालने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम अपने काम को जो है आसान बनाने के लिए जो है इसी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या होता है कि ये जो यूनिट वेक्टर एल है, ये जो हमारे पास एल यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू हमेशा वन होती है। हमारे पास कितने भी यूनिट वेक्टर क्यों ना आ जाए, हमेशा उन यूनिट वेक्टर की वैल्यू जो है हमारे पास वन होगी। अगर ये वी है, इस v को मैं इसके साथ v की मैग्नीट्यूड के साथ, यहाँ पे v की चूँकि मैग्नीट्यूड है, और इसके साथ मैं जो है यूनिट वेक्टर लगा दूँ तो ये मेरे पास जो है v वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। चूँकि अगर मैं l को रिप्लेस करूँ, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि ये जो यूनिट वेक्टर l है, अगर इसकी वैल्यू 1 है और हर यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, यूनिट वेक्टर v की वैल्यू भी 1 है, यूनिट वेक्टर b की वैल्यू भी 1 है, तो क्यों ना मैं यूनिट वेक्टर l की जगह v को प्लेस कर दूँ। अगर मैं v को प्लेस करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास v वेक्टर आ जाएगा, v यूनिट वेक्टर, इसकी भी वैल्यू 1 है, लगाने से कोई भी हर्ज नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे बाकी जो है स्मॉल v को यहाँ लिख लेते हैं, q a इंटू n यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये मैग्नेटिक फोर्स आ गई। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर मैं इस l को बाहर ले जाऊँ, इस l को हम लोग क्या करते हैं जी, हम ये बाहर ले आए और इस v को अंदर ले जाते हैं, v इंटू v यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय b वेक्टर, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, Q, E और N एज इट इज ही रह गया और ये मैग्नेटिक फोर्स रह गई। अब ये जो टर्म है V इंटू V यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास V इंटू V यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ जाता है, V वेक्टर के। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो N इंटू Q इंटू A इंटू यहाँ पे एल बी था और वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाता है। तो बेसिकली जो वी वेक्टर का रिप्रेजेंट है ये हमें बताता है कि हमने जो कंडक्टर के अंदर बात की थी ना कि हमारे इलेक्ट्रॉन स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं या वेलोसिटी के साथ, तो बेसिकली हमारे जो वहाँ पर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं या फ्री मूविंग चार्जेस हैं वो बेसिकली वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से आ जाता है। अब अगर मुझे मैग्नेटिक फोर्स, ये जो मैग्नेटिक फोर्स मेरे पास आई है ये टोटल लेंथ के लिए आई है, जितनी हमारे पास लेंथ थी कंडक्टर की हमने उसके हिसाब से यूज़ किया है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक यूनिट चार्ज के लिए यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज के लिए मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ कि n इंटू एल इंटू क्यू इंटू ए और v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इस तरीके से डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, कैपिटल एम से, जो कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है। क्योंकि मुझे सिर्फ एक चार्ज के बारे में बताना है ना, यहाँ पे मुझे सिंपल जो है सिंगल वन चार्ज के बारे में बताना है, तो उसके लिए मैं जितने चार्ज कैरियर हैं उससे डिवाइड कर दूंगी। और ये जो कैपिटल एन है इसकी वैल्यू थी एन इंटू ए इंटू एल, तो ये जो चीज़ है इस चीज़ से कैंसिल आउट हो जाती है, तो यहाँ पे सिर्फ क्यू बचता है, तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आ जाती है ऑन अ मूविंग चार्ज, कि अगर कोई भी चार्ज मूविंग कर रहा है वो चार्ज क्यू आया कि वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स भी हो जो है पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं या वो नेगेटिव चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी चार्ज कैरियर हो सकते हैं। यहाँ पे आपके क्यू आ जाएंगे, वी जो है जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं और बी आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। और यहाँ पे चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है जो कि ये बताते हैं कि आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड आपके पास मैक्सिमम उस वक्त होगी जब बी और बी एट 90 एंगल होंगे, उस वक्त साइन की वैल्यू जो है मैक्सिमम होगी, तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम आएगी उस चार्ज कैरियर के ऊपर। अब हमारे पास हमें ये भी पता चल गया कि मैग्नेटिक फोर्स हमें किस तरह किस रूल से मालूम करनी है, जो कि हमारे पास राइट हैंड रूल है। इसके अलावा हम लोगों ने जो है मैग्नेटिक फील्ड मालूम की है मूविंग चार्जेस के ऊपर और मूविंग चार्जेस के ऊपर मालूम किए, लेकिन इस मैग्नेटिक फोर्स के भी कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करती है। अब उन फैक्टर्स के बारे में हम लोग देख लेंगे, जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, ये मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड पे, ये डिपेंड करती है कि चार्ज कैरियर कितने हैं और किस तरह के और किस लिहाज से मूव कर रहे हैं। अब अगर हमारी वी और बी जो है, अगर मैं इसे ज़रा खोल के लिखूँ फॉर्मूले को, तो मुझे मालूम है कि एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर तो वी और बी जो कि परपेंडिकुलर होंगे, ये आपकी वी है और ये आपकी बी है, अगर ये 90 के एंगल पे हैं तो आपकी एफ एम जो है वो मैक्सिमम है, और अगर ये जो है पैरेलल हो जाए, बी भी इस डायरेक्शन में आ जाए, करंट भी इस डायरेक्शन में फ्लो हो, उसकी वजह से जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जाए, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है उन मूविंग चार्ज पे मिनिमम हो जाती है। मिनिमम का मतलब जीरो हो गया, क्योंकि एंगल यहाँ पे जीरो है तो साइन जीरो जो है वो जीरो होता है, चाहे साइन जीरो हो या साइन 180 हो, मतलब कि आप इस वी और बी जो है एंटी पैरेलल हो या पैरेलल हो, बात एक ही है कि उस वक्त आपके मैग्नेटिक फोर्स
उन मूविंग चार्जेस पे जो है वो ज़ीरो हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके कंडक्टर के अंदर कोई भी मूविंग चार्जेस नहीं है, जो कि हो ही नहीं सकता कि आपके पास कंडक्टर हो और उसके अंदर कोई भी मूविंग चार्जेस ना हो, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर जो है आपके पास पॉजिटिव चार्जेस ना हो, तो वो कंडक्टर ही नहीं हो सकता। तो अगर सपोज कर लीजिए कि क्यू नहीं है, तो उस वक्त भी जो है आपके FM उस वक्त भी ज़ीरो हो जाती है, चूँकि क्यू ज़ीरो हो गया है। और अगर आप ये सपोज कर लेंगे आपके पास कोई केस ऐसा है जिसमें आपके पास जो वी और बी है 90 के अलावा किसी और एंगल पर हैं, तो उस वजह से हम लोग यहाँ पर साइन थीटा को हमेशा साथ ही लिखते हैं कि हो सकता है कोई एंगल और आ जाए, 60 आ जाए, 45, 70, 80, कोई भी एक एंगल आ रहा है आपके पास, 90 से लेस देना है या 90 से ग्रेटर देना है, तो उसके एंगल को पुट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर साइन थीटा हमेशा लगाना पड़ता है। अब अगर आप सपोज कर लें कि आपके पास कोई एक ऐसा केस आया है जिसमें आपके पास मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम आई है, इसका मतलब है कि V और B 90 के एंगल पे, फिर जो मैग्नेटिक फोर्स आई है वो क्यू वी भी आई है और साइन 90 होने की वजह से 1 हो गया। अगर आपको इस केस में यानी कि मूविंग चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करना हो, जिसे हम लोगों ने कंडक्टर के केस में मैग्नेटिक इंडक्शन कहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के केस में जो है फ्लक्स डेंसिटी कहा है, लेकिन मूविंग चार्जेस के केस में हम इसे तब भी मैग्नेटिक इंडक्शन ही कहेंगे। यहाँ पर भी ये जो है हमारे पास भी ये मैग्नेटिक इंडक्शन ही है, जिसका यूनिट यहाँ पर भी हमारे पास टेस्ला ही है। चाहे बी कहीं भी चल जाए, किसी भी टर्म में डिफाइन किया जाए, यूनिट इसका हमेशा टेस्ला ही रहता है। अगर मुझे बी को मूविंग चार्जेस के केसेस में डिफाइन करना हो, तो मैं इसे FM डिवाइडेड बाई क्यू वी लिख सकती हूँ। FM जो है ये हमारे पास 1 न्यूटन के इक्वल होता है। वी जो है, वी मुझे मालूम है कि मेरे पास मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में आ जाता है। और जो हमारे पास करंट है, करंट जो है 1 कूलम, यहाँ पर जो है मैं सी, तो यहाँ पे हमारे पास सी आ जाता है। तो इस तरीके से हम बी को डिफाइन कर सकते हैं कि जो बी मैग्नेटिक इंडक्शन है जिसका यूनिट टेस्ला है, उसे हम कह सकते हैं कि ये न्यूटन सेकंड डिवाइडेड बाय सी मीटर के इक्वल आ जाता है, जो कि ये बताता है कि अगर आपके पास किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होने की वजह से जो वेलोसिटी है उन मूविंग चार्जेस की 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और करंट जो है 1 कूलम के हिसाब से फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से जो फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट करती है, जो मैग्नेटिक फोर्स आती है उस कंडक्टर के मूविंग चार्जेस के ऊपर, वो 1 न्यूटन हो, तो उस पूरे के पूरे कंडक्टर के मूविंग चार्जेस के ऊपर जो है 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपेयर हो जाती है। और टेस्ला को अभी भी हम लोग यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं कि 10^4 गॉस के इक्वल होती है। और इस तरीके से हम टेस्ला को भी डिफाइन कर सकते हैं, हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बता सकते हैं, हम मूविंग चार्जेस उसकी वेलोसिटी के बारे में बता सकते हैं, उसकी लेंथ, उसके करंट, डिफरेंट पैरामीटर के बारे में बता सकते हैं, और बेसिकली ये बता सकते हैं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इफेक्ट करती है ऑन अ मूविंग चार्जेस के ऊपर, और किस तरीके से हम उनके डायरेक्शन को निकाल सकते हैं कि इन मूविंग चार्जेस के ऊपर जो है मैग्नेटिक फोर्स के लगने का तरीका क्या है, किस तरीके से किस डायरेक्शन में एक्ट करती है, और किस तरीके से किस फॉर्मूले से हम इसे निकाल सकते हैं। तो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स तो एक है ही हमारे पास जो है क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन मूविंग चार्जेस के ऊपर भी जब हम बात करें तब भी वो वही फोर्स रहती है, और हमारे पास जो है क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में ही एक फॉर्मूला देती है, जिससे हम लोग जो है मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं उन मूविंग चार्जेस के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पास उस पूरे के पूरे कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है।